जिसके सामने सैफ अली खान ने खुद पहली बार अपने 800 करोड़ के महल पटौती पैलेस की झलक दिखाई है। सैफ ने अपने इस पैलेस के एक एक कोने का दीदार करा दिया है। जो भी इस महल की पहली झलक देख रहा है उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। बॉलीवुड में रईसी दिखाना कोई नई बात नहीं है। एक्टर्स अपने घरों को किसी महल से कम नहीं आंकते। अपनी रईसी को एक्टर्स बड़ी शान और शौकत के साथ दिखाते हैं, लेकिन जब बात असली राजा की होती है तो वहां सिर्फ एक ही नाम आता है, नवाब सैफ अली खान। पूरे बॉलीवुड में जितनी शान और शौकत के साथ सैफ अली खान रहते हैं, उनकी बराबरी में सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होती रहती हैं। लेकिन अब पहली बार सैफ ने अपने इस 150 कमरे वाले महल के दर्शन कराए हैं, जिसे देखकर देखने वाले भी हैरान रह गए हैं। सफेद रंग का ये महल नवाबी की इबादत को लिख रहा है। महल के ठीक सामने लगा ये फाउंटेन सालों से इसकी शान बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं कि महल के दरवाजे और वहां रखा फर्नीचर तक कितना आलीशान है। यहाँ महल की गैलरी में दोनों तरफ लाइन से टेबल रखे हैं और इन्हीं पर पुरानी तस्वीरों के फ्रेम करीने से रखे हुए हैं। ये तस्वीरें सैफ के परिवार के लोगों की हैं जो यहाँ के नवाब थे। दीवारों पर भी कई फोटो टंगे हैं। सैफ कहते हैं कि एक एक कोने से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। वो इस तस्वीर को भी निहारते हैं जो उनके पिता की है, जब वो क्रिकेट खेला करते थे। बरामदे में इस चेक फर्श को देखिए, ये स्टाइल आपको सिर्फ महलों में ही देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि फर्श पर ही करोड़ों रुपए बहा दिए गए हों। सैफ एक हॉल में खड़े दिखाई देते हैं। बैकग्राउंड में बड़ा सा शीशा लगा हुआ है, फिर गार्डन एरिया में बना स्विमिंग पूल भी नजर आता है। इसके बाद एक कमरा दिखता है जो शायद लाइब्रेरी है। यहाँ भी कुछ और पुरानी तस्वीरों की झलक देखने को मिलती है। इनमें उनकी बेटी सारा अली खान की भी कई तस्वीरें हैं। पटौती परिवार का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन इस महल को बने अभी सिर्फ 86 साल ही हुए हैं। पटौती पैलेस को 1935 में 8वें नवाब और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इफ्तिकार अली हुसैन सिद्दीकी ने बनवाया था। इसे उसी रॉबर्ट टोर रसेल ने बनाया था जिन्होंने दिल्ली के कनॉट प्लेस का डिजाइन तैयार किया था। इफ्तिकार अली खान की मृत्यु के बाद महल उनके बेटे मंसूर अली खान और उनकी पत्नी शर्मिला टैगोर को सौंप दिया गया। अब इस महल के मालिक सैफ अली खान हैं। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में किसी भी एक्टर के पास इतना आलीशान महल नहीं है। 10 एकड़ फैले इस महल को संभालने में 100 से ज्यादा नौकर लगे हुए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी इस महल पर कितना पैसा खर्च होता है। फिलहाल इस महल को देखकर आप क्या कहेंगे।